हेलो एवरीवन, तो आपने डिमांड किया और उस डिमांड को मैं पूरा ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे शेयर कर रही हूं और उम्मीद करूंगी कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का एक हिस्सा है और आप लोगों को मुझसे अगर कुछ सीखना है ना, तो मुझे सिखाने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और आप लोग अपने रिक्वेस्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ज़रूर वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी और बहुत प्यार से उन्होंने बोला भी था कि अगर आपकी तबीयत ठीक होगी तो आप वीडियो शेयर करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब आपकी रिक्वेस्ट भी थी और आपको ये मेकअप लुक जानना भी था और आपको मेरी हेल्थ की भी जो है टेंशन थी, मुझे ये बात सुन के ना इतनी खुशी हुई, मेरे दिल को छू गई आपका ये कमेंट। और मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है मेरा आज का मेकअप लुक मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट करते रहना। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, मॉइस्चराइजर वगैरह कर लिया है और अब मैं अप्लाई करूंगी ओलिविया का पेन स्टिक। मेरा शेड है 03 और आप इसकी जगह पे फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ब्लू हेवन का फाउंडेशन काफ़ी बेस्ट फाउंडेशन है, लैक्मी का भी फाउंडेशन काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग आप जो है फाउंडेशन चूज़ कर लेना। और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ पाउडर। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। मैं पोन्स का पाउडर ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और कला मेरा बैठा हुआ है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रीन आई मेकअप लुक। तो मैं यहाँ पे कलर बोर्ड का जो है ना आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। ये मेरा न्यू एडिशन है और इसे मैंने अभी मंगाया है और ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है। तो इसके साथ मैं आज आप लोगों को जो है एक आई मेकअप क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। और ये मेरे पास जो है ना एक रिक्वेस्ट आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का कि उनको किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करना है, तो उनको उनका जो ड्रेस है ना वो ग्रीन कलर का है, तो इसीलिए मैं ग्रीन कलर के आई मेकअप से ये वीडियो बना रही हूँ। ग्रीन आई मेकअप क्रिएट करके दिखाऊंगी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ। जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, मैं बेसिक चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, तो मैं आई मेकअप पे ज़्यादा फोकस करूँगी ताकि आपको इजी हो। तो मैं कलर बोर्ड का ये वाला आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं ये वाला, ये बुक वाला मैंने मंगाया है। और एक्चुअल में मुझे आई शेडो की ज़रूरत थी, तो अभी और भी बहुत सारे जो है कोरियर है जो कि मुझे रिसीव हुए हैं, तो इनका जो रिव्यू है ना बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट मैं आई मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए स्टार्ट गाइस, so अब फोकस करते हैं आई मेकअप के ऊपर। तो पहले मैंने एक लाइट ग्रीन कलर शेड लिया है, उसको अपने आईज़ के लीड एरिया पे अप्लाई करूंगी और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करूंगी। तो इस तरीके से आपको एक लाइट शेड लेके अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आईज़ पे कंसीलर अप्लाई करूंगी, फुल आईज़ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपर लिड को छोड़ के। उसके बाद उससे एक से डार्क लेके ब्रश से हल्का हल्का टैप टैप करके लगाना है इसको। जो है ना जो है आपको ब्रश से स्मच नहीं करना है। और फिर उसके बाद एक शेड और डार्क लेके वी आउटर वी शेड बनाऊंगी मैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको तीनों कलर में डिफरेंस पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे तीन शेड अप्लाई किए हैं बहुत ही आसानी से, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, बहुत इजी से बताया है। उसके बाद मैंने आई लेसेस ग्लू लेके आईज़ के हाफ़ एरिया पे मैंने अप्लाई कर लिया है। देन ग्लिटर आई शेडो लिया है मैंने ग्रीन कलर का और हाफ़ लीड एरिया पे मैंने अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर लूँगी, ये काफ़ी जेट ब्लैक आईलाइनर है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी गाइस इस वाले आईलाइनर को, तो आप इस वाले लाइनर को बाई कर सकते हैं। और एक मैं कैट विंग ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आई मेकअप ना काफ़ी अच्छे से उभर कर आए। तो मैं यहाँ पे फॉल्सेस नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो लगा लेना, आईज और भी खूबसूरत लगने लग जाएगी। तो एब्रो को भी मैं मस्करा से ही सेट कर रही हूँ आज। तो आप लोगों की डिमांड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद मैं एलेटीन का काजल लेके थोड़ा सा मोटा मोटा काजल अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद सेम डार्क ग्रीन कलर लेके
आईज़ के लोअर लेस पे भी अप्लाई कर लिया है, इससे आईज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। उसके बाद आई शेडो लगाने के बाद जो है मैं मस्करा अप्लाई कर लूँगी, ये लोरियल का है। और यहाँ पे मैंने टू शेड अप्लाई करके मैंने लिपस्टिक बनाया है, एक रेड कलर का और एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड में, तो ये बहुत ही प्यारा सा शेड निकल कर आया था। देन चीक्स पे चीक्स अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, दैट्स इट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट हो और उसे मैं एक्सेप्ट ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी डिमांड पे ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट कर लिया है। आपका रिक्वेस्ट था कि आपको ग्रीन लहंगा पहनना है और जयपुरी जो लहंगे होते हैं आपको उसको वेयर करना है, तो आपको ग्रीन आई मेकअप क्रिएट करके मैं दिखाऊं, तो आपका ये रिक्वेस्ट था। तो मेरी तबीयत खराब है बट कोई बात नहीं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी उसे मैं कबूल ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ग्रीन आई मेकअप के साथ आपके सामने आ गई हूँ। और कैसा लग रहा है वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। तो देख सकते हैं मैंने आपके लिए ग्रीन मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। और एक मिनट मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा फुल आई मेकअप जिसे मैंने कंप्लीट किया है कलर बोर्ड के आई शेडो पैलेट से, सिर्फ और सिर्फ कलर बोर्ड के आई शेडो पैलेट से। तो मैंने यहाँ पे तीन कलर पिक किए हैं। फर्स्ट कलर ये लाइट ग्रीन कलर, सेकंड मैंने डार्क ग्रीन कलर, पहले मैंने फर्स्ट जो है ना लाइट ग्रीन कलर से पूरे लिड एरिया को पे अप्लाई किया है। सेकेंड जो है मैंने कंसीलर अप्लाई करने के बाद ये वाला शेड अप्लाई किया है। और थर्ड जो है मैंने आउटर वी बनाया है ये वाले डार्क शेड से। और लास्ट फिनिशिंग जो दिया है मैंने ये ग्रीन कलर के स्पार्कल आई शेडो से। ठीक है, तो इन्हीं चार कलर को मैंने यूज़ करके कलर बोर्ड के आई शेडो पैलेट से अपना ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। और कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैंने आईज पे काजल मोटा इसलिए अप्लाई किया था ताकि मैं नीचे ग्रीन कलर आसानी से यूज़ कर सकूँ। जब आप कोई काजल यूज़ करके कोई कलर अप्लाई करते हैं ना, वो कलर बहुत ज़्यादा खिल कर आता है। तो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपकी रिक्वेस्ट थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को कबूल ना करूं। तो देख सकते हैं मेरी आईज कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो भी इस आई मेकअप को बहुत ही आसानी से क्रिएट करके किसी भी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आप लोगों की कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तो अभी मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगी, पहले इसको मैं चेंज करूंगी, उसके बाद मैं अपने घर के काम भी करूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो आपकी रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि आपको अर्जेंट किसी शादी फंक्शन में जाना हो, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए जो है क्रिएट किया है, आपके लिए ये आई शेडो मेकअप किया है। ये ब्यूटीफुल सा आपकी साड़ी चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, मेकअप करना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए मैं हमेशा ऑलवेज रेडी रहती हूँ। अगर आपकी कोई डिमांड आती है उसे मैं पूरा ना करूँ, गाइज ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपना जो कुछ भी आप लोगों की चाहत है, जो कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो अपना कॉमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो आपके कमेंट्स को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी अगर मेरे पॉसिबल में होगा तो। तो मेरी तबीयत ख़राब है, आपको पता चल रहा होगा आवाज़ से, लेकिन मेरे लिए सबसे पहला जो है मेरा परिवार है, यूट्यूब की फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये मेकअप लुक जो है ना क्रिएट किया है। तो देखिए मैंने तीन शेड अप्लाई किया है जो आई मेकअप को ना बहुत ब्रिटिश सा लुक दे रहा है। और इस तरीके का आई मेकअप क्रिएट करके आप किसी भी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं। आप चाहे तो फॉल्सीज लगा सकते हैं, मैंने नहीं अप्लाई किया है। अगर आप इस इतना मेकअप करने के बाद ना अगर आपने आईलेसेस लगा लिया ना, तो आपका जो आई मेकअप है ना और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएगा। मैंने यहाँ पे लगा के नहीं दिखाया है बट आप ज़रूर अप्लाई करना, इससे क्या होगा आपकी आंखों में ना और भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी ऑटोमेटिकली। मैंने यहाँ पे ग्रीन सूट पहना है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं कि मैं ग्रीन मेकअप के साथ कैसी दिख रही हूं। तो चलिए एक दो मैं शॉर्ट वीडियो ले लेती हूं, कुछ फोटो क्लिक कर लेती हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। बाय बाय। तो गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे।
और मेरा लंच भी हो गया और मैंने मेकअप वीडियो भी शूट कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले मैंने सोचा कि चूड़ा मटर बना देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि यार कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। ये देखिए, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा अपने और नीशू के लिए। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा बना रही हूँ। लंच में मैंने बनाया है, आपको दिखा दूँ मैंने क्या बनाया है। अब मैंने बनाया है चने की दाल, ये देखिए मस्त वाली चने की दाल। ज़्यादा ही बना दिया है, शाम तक चल जाएगा। दाल रोटी खा लिया है और अब आई थिंक दोपहर के 3 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्या करे, आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर लिया और सारे काम भी हो गए, तो थोड़ा सा बोर हो रही थी। मौसम अच्छा होना तो कुछ आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलो थोड़ा सा हलवा ही खा लेते हैं। चलो सूजी तो भुन गया है, अब इसमें पानी और चीनी डाल देते हैं। मीठा खाने का मन कर रहा था और अभी कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है कुछ लोगों के बारे में। मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने ना इन्होंने ना अपनी हदें पार कर रखी है और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे इतना रोना आ रहा है लिटरली ना, कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है यार मुझे। मेरे तक ये लोग थे ना, 1 मिनट गाइस। तो अभी तक तो सिर्फ मैं माँ बाप के ऊपर जा रही हूँ और ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं माँ बाप की गालियाँ भी दूंगी, क्योंकि अब जब इन लोगों ने अपनी हदें पार करना इतना ज़्यादा कर दिया है इन लोगों ने ना अपनी हदें पार, तो अब मुझे भी अपनी हदें पार करनी पड़ेगी। और डियर नेहा, प्लीज़ आप इन लोगों के मुंह मत लगिए। ये लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, बहुत ही निहायती ही घटिया किस्म के लोग हैं, बेशरम लोग हैं। जितनी बार मैं अपनी वीडियो में इन लोगों को ना कितनी भी गालियां दे दूँ, कितनी भी इनकी बेइज्जती कर दूँ, कितना भी ज़्यादा इनका मुँह काला कर दूँ ना, ये वापस घूम फिर के मेरे वीडियोज़ में ही आएंगे और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूवर्स हो, आप प्लीज़ इनके मुंह मत लगो, अदरवाइज़ ये आपको भी गंदा गंदा बोलेंगे। सच बता रही हूँ, मेरे को ना इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये लोग ना मेरे सब्सक्राइबरों को भी बहुत ही ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा ना मैं, कि आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इन लोगों ने मुझे इतनी गंदगी मेरे चैनल में फैलाई है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इन लोगों ने मेरे को इतना गंदा गंदा बोला, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबरों को भी गालियाँ दे रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबरों को भी मुँह लग रहे हैं। मत मुंह लगो यार डियर, आप इन लोगों के ना घटिया लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि ये बहुत ही घटिया माँ बाप की पैदाइश है। ये लोग इनके माँ बाप का कोई आता पता नहीं है और ये ऐसे लोग हैं ना जिनके माँ बाप पैदा करके ना रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ मैं ऐसा ही बोलूँगी, क्योंकि तुम लोग ना अपना मुंह काला करवाने की तुम लोगों ने सोच रखी है, तो आओ मेरे चैनल पे, मैं तुम लोगों का मुंह काला करके ही भेजूँगी। जितना तुम लोग मेरे चैनल में गंदगी फैलाओगे ना, उतना ही जवाब दूँगी। हाँ हूँ मैं ड्रामेबाज, फैलाऊँगी, मैं करूँगी बुराइयाँ। तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं फैलाऊँगी, मैं करूँगी बुराइयाँ, सबकी बुराइयाँ करूँगी। तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। यहाँ पे अपना जजमेंट जो है ना बताने के लिए मत आओ, क्योंकि मैं सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, पहली बात तो। और तुम्हारे जैसे लोग ना मेरी ज़िंदगी में कहीं मैटर नहीं करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग घटिया होते हैं, आएंगे चले जाएंगे, तुम्हारे जैसे लोग बहुत आएंगे मेरी लाइफ में, ठीक है। अपनी गंदगी फैलाने के लिए, अपना जो भड़ास है ना मेरे चैनल पे निकालने के लिए जरूर आएंगे। वायरल होने के लिए ये सब ड्रामे कर रही है, वायरल होने के लिए ये सब ड्रामे कर रही है। हाँ मैं कर रही हूँ वायरल होने के लिए ड्रामे, तो तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे बाप का लेके खा रही हूँ क्या है। मेकअप करती हूँ, जब अच्छी वीडियो बनाओ तो भी प्रॉब्लम तेरे जैसे लोगों को ही होती है। तेरे जैसे लोग ही मेकअप की दुकान। और अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बुराइयाँ क्यों कर रही है, सबकी बुराइयाँ क्यों कर रही, तो तुम्हारी क्यों जल रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो बता दो। तुम्हारी बुराइयाँ कर रही हूँ या फिर तुम्हें भला बुरा कह रही हूँ, मैं जिसको कह रही हूँ उसको बुरा लगना चाहिए ना। तुम्हारे जैसे लोगों को बुरा लगने और अच्छा लगने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताओ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
मुझे गुस्सा इस बात पे आया है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है क्योंकि ये लोग ना मेरे सब्सक्राइबरों के साथ बदतमीजी करने पे उतर आए हैं, मेरे सब्सक्राइबरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गया, गुस्सा आ गया, मेरे को इतना रोना आ रहा है ना कि ये लोग मेरे एक सब्सक्राइबर है नेहा, उससे भी बहुत ही ज़्यादा जो है बहस कर रहे हैं, उससे इतना ज़्यादा उससे भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो बस इन लोगों के ना बहुत इन लोगों ने अति मचा रखी है, एक मंजीत है और एक भावना है करके कोई एक दो और है, तो इन लोगों को मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों की आखिर में प्रॉब्लम क्या है। वीडियो जो है मैं बना रही हूँ और एक मिनट में यहाँ पे रख देती हूँ, हाँ वीडियो मैं बना रही हूँ, काम मैं कर रही हूँ और जिसको भला बुरा बोलना है मैं बोल रही हूँ। इनको पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है, ये पता नहीं कहाँ से मुंह उठा उठा के ला, इतनी इनकी मैं बार बार बेइज्जती कर रही हूँ इन लोगों की, मतलब मुंह काला कराने के लिए ना मेरे चैनल पे ही आना है, चाहे इनको मैं जितनी भी गालियाँ दे दूँ। और हकीकत में तुम जैसे लोग ना गंदे माँ बाप की पैदाइश है, तुम्हारे माँ बाप जो है ना तुम लोगों को पैदा करके कहीं छोड़ दिया है, इसलिए तुम लोगों का कोई नाम पता ठिकाना नहीं है। मैं तो अपना सीधे रास्ते वीडियो बना रही हूँ, तुम लोगों से कोई मेरा लेना देना नहीं है, फिर भी यहाँ पे आके गंदगी मचा रहे हो। गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोग ना मेरे सब्सक्राइबरों के भी मुंह लग रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारी जितनी तुम यहाँ पे गंदगी फैलाओगे ना मैं उतना ही ज़्यादा तमाशा करूँगी। देखना है तो देख, नहीं देखना है तो मत देख, मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो तमाशा करने के लिए और भी बहुत सारे चैनल है, मेरे चैनल से दूर चले जा। और मेरे वीडियो जो है ड्रामे, अगर मैं ड्रामेबाज हूँ और सबकी बुराइयाँ करती हूँ तो भी मेरे ही चैनल पे आके मेरी ही वीडियो देखनी है इन लोगों को। मुझे देखे बगैर इन लोगों का दिन भी नहीं पूरा होता है और देखने के बाद जो है ना गंदगी भी फैलानी होती है। तो ऐसे ये कुछ चंद घटिया लोग हैं जिनका काम ही है गंदगी फैलाना और कुछ नहीं है। किसी भी इंसान को ना आगे बढ़ता हुआ ये लोग नहीं दे सकते हैं, ये लोग तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ख़ानदान के हैं। बस नहीं सह सकती हूँ, मुझे जितना बोलना था मैं सुन रही थी, अब तक मैं सुन ही रही थी, ठीक है। लेकिन अगर अपनी हद, अपनी लिमिट पार किया तो एक को तो मैंने ब्लॉक करवा दिया है, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने जो है मेल कर करके ना एक आईडी को तो मैंने ब्लॉक करवा दिया है, और तुम लोगों की आईडी भी ब्लॉक करवाना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लॉक क्यों करवाऊँ, तुम्हारे जैसे लोग देखते हैं तो मुझे थोड़ा व्यूज़ मिल जाता है, तो तुम लोग देखने के लिए आओगे ही आओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को मुझे देखे बगैर तुम लोग रह नहीं सकते हो, इसलिए तुम मेरे चैनल पे घूम फिर के तुम लोग आते ही हो कहीं ना कहीं से। तो आओ देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितनी तुम लोग गंदगी फैलाओगे ना उसका मुंह तोड़ जवाब देना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मेरा नाम भी शालिनी है, मैं भी अपने बाप की ही पैदाइश हूँ, तो मैं ड्रामा फैलाऊँगी, ऐसे ही वीडियोज़ बनाऊँगी। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं तुम लोगों को पकड़ पकड़ के तो लाती नहीं हूँ कि तुम लोग आओ मेरी वीडियोस देखो, क्यों आते हो मेरी वीडियो देखने मुझे समझ में ही नहीं आता है, जब मैं इतनी ड्रामेबाज हूँ फिर भी इनको मेरी वीडियोस देखना है और इनको मिर्ची भी लगती है। अच्छा जवाब, अगर नेहा ने जवाब दे दिया तो इनको मिर्ची लग गई कि कैसे कोई सब्सक्राइबर इसकी तरफ से जवाब दे रहा है। बिकॉज तुम्हारे जैसे दो चार जो है ना गंदे लोग हैं ना, तो बाकी जो है ना अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो तुम्हारे जैसे लोगों को ना जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसको क्या जवाब देना है। तो ये लोग ना मुझे प्यार करते हैं तो इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों को ना जवाब देते हैं, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबरों को दिक्कत हो, उनको जो है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, डियर नेहा आप प्लीज़ ऐसे घटिया लोगों के, तुच्छ लोगों के, ऐसे बेकार लोगों के बिल्कुल भी मुंह मत लगिए, क्योंकि इन लोगों का कोई दीन धर्म कोई ईमान नहीं है। ये लोग बिना माँ बाप की पैदाइश है, ये लोग ऐसे ही जो है निठल्ले घूम रहे हैं, इनके पास दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन मेरे पास है, आपके पास काम है, तो हम लोगों के पास काम है। ये निठल्ले लोगों के पास ना कोई काम धंधा तो है नहीं, तो ये लोग ऐसे ही घूम घूम के ना दूसरे के चैनलों पे गंदगी फैलाते फिरते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो
हाँ मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, मैं और ड्रामा फैलाऊंगी, और ड्रामा क्रिएट करूंगी, और ड्रामा फैलाऊंगी फैलाऊंगी यूट्यूब पे, चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे, मैं ऐसे ही ड्रामा फैलाऊंगी। बिकॉज सीधे रास्ते से चल रही थी तो भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा यार जब सीधे रास्ते से चल रही हूँ तो भी लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो इससे अच्छा टेढ़े रास्ते पे चलो ना, कम से कम कुछ करके गालियाँ खाओ। कहते हैं ना, बिना गलती किए अगर इंसान मार खा रहा है ना, तो वो इंसान एक बार को ये चीज़ ज़रूर सोचता है कि बिना गलती किए मैं क्यों मार खा रहा हूँ या मार खा रही हूँ, इससे अच्छा मैं गलती करके ही मार खा लेती। तो ये चीज़ ना सबके साथ होती है, तो मैं बिना गलती किए गालियाँ खा रही थी आप लोगों की, मेकअप की दुकान, मेकअप की दुकान, फलाना ढमकाना, झूठी फलाना, इतने सारे जजमेंट कर रहे थे ये लोग, इतने सारे जजमेंट कर रहे थे। तो यार मैंने रास्ता ही टेढ़ा अपना लिया, मैंने जब घी सीधी उंगली से नहीं निकली तो मैंने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। हाँ हूँ मैं ड्रामेबाज, मैं यूट्यूब पे ड्रामा फैलाने के लिए आई हूँ और ड्रामा फैलाऊंगी। यूट्यूब पे मैं ना तहलका मचाने वाली हूँ और ड्रामा फैलाने वाली हूँ। जितना तुम लोगों को करना है ना करके दिखा दो, अगर असल माँ बाप के हो ना तो बने रहना मेरे वीडियोस में, मेरे चैनल में, ऐसे देखते रहना, ऐसे फूकते रहना, ऐसे जलते रहना, मुझे ना बहुत 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 मज़ा आ रहा है। ठीक है, बस मैं क्या करूँगी, अपने सब्सक्राइबरों को बोल दूंगी भाई कि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के मुंह ना लगे, बस। और दूसरा तो कोई मेरे पास रास्ता है नहीं, अपने सब्सक्राइबरों को ही समझा सकती हूँ कि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के मुंह ना लगे। तो चलो, कपड़े फैल रखे थे कल से मैंने, इनको धुले हुए कपड़े सूख गए थे, मैंने इनको फोल्ड करके रख दिया है, अलमारी में रख दूंगी मैं। इस कमरे में अंधेरा हो गया ना, कितना बुरा सा लगता है। और बाकी कपड़े मैंने धो दिए हैं और अभी बालकनी पे कपड़े सूख भी रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं कपड़े कहाँ फैलाऊँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और पूरे यहीं पे कुर्सी पे ही घर में कपड़े फैला देती हूँ। अभी 3 भी नहीं बजे ना, पूरे घर में अंधेरा, क्योंकि आज धूप का ना इतू सा भी नामो निशान नहीं है, इतू सा भी नामो निशान नहीं है। तो हाँ मैं ड्रामेबाज हूँ, हाँ मैं ड्रामा फैलाऊंगी और फैलाऊंगी, जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं देखना है चूल्हे भाड़ में जाए। तो कैसा लगा मेरा आज का मेकअप लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, और देख सकते हैं जब मैंने क्रिएट किया था ना उससे ज़्यादा अच्छा अब और लगने लग गया है। तो मेकअप ये हटने वाला नहीं है, चाहे मैं मुंह धो लूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, साबुन से जब तक मुंह नहीं धोऊंगी ना, ये मेकअप लुक हटने वाला नहीं है। पूरा फुल वाटर प्रूफ मेकअप है ये, आप एक बार ओलिविया का पेन स्टिक यूज़ कर लीजिए ना, उसके बाद आप फेस के साथ कुछ भी करिए, मेकअप नहीं हटेगा। नो